नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। ईपीएस कर्मचारियों, आपके लिए बहुत ही बड़ी खबर है। ईपीएस 95 पेंशन को लेकर केंद्र सरकार ने बहुत ही बड़ा आदेश जारी किया है। पेंशन भोगियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आ रही है। जल्दी पेंशन मिलेगी, 7,500 रुपये से बढ़कर के 8,500 रुपये। इस पेंशन बढ़ोतरी को लेकर सरकार ने आदेश भी जारी कर दिया और लिस्ट भी आप देख सकते हैं जारी कर दी गई है। तो ईपीएस कर्मचारियों के लिए बहुत ही बड़ी खबर है, पेंशन भोगियों के लिए अच्छी खबर निकल कर आ रही है। कल सरकार ने 5 बजे आदेश जारी कर दिया है और पेंशन बढ़ोतरी को लेकर जो पेंशनधारक लंबे समय से मांग कर रहे थे कि हमारी पेंशन बढ़ोतरी कब होगी, तो उन सभी कर्मचारियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि सभी पेंशनधारकों की जो मांगे पूरी होती नजर आ रही है। कल सीबीटी की मीटिंग में लिया गया एक बहुत ही अहम फैसला, जो पेंशनधारकों के लिए बहुत रात की बात है, रात भरी खबर है कि 15 तारीख से सभी के खातों में पैसा आएगा। जो पेंशन का 7,500 रुपये से बढ़कर के 8,500 रुपये पेंशन आएगी आपके खाते में। यानी कि सरकार के द्वारा इस फैसले पर लगी मोहर को लेकर कमांडर अशोक रावत ने कहा है कि मैं इस फैसले को लेकर बहुत ही खुश हूँ, जल्दी आएगी सभी पेंशनधारकों के खातों में जो पेंशन है 7,500 रुपये से बढ़ करके यानी कि 8,500 रुपये। केंद्र सरकार ने 7,500 रुपये से पेंशन बढ़ाकर कर दी 8,500 रुपये। यानी कि सभी ये फैसले कल सीबीटी की मीटिंग में लिया।